नमस्कार, मैं विपिन खुराना, आप जुड़ चुके हैं मेरे साथ बीबीएन न्यूज़ पर। अक्सर एक सवाल रहता है कि टेंथ के बाद क्या करना और प्लस टू के बाद क्या करना है। हिसार की एक एकेडमी जिसने एग्री के लिए जो किया है 55 में से 35 सिलेक्शन, 55 में 35 सिलेक्शन देने वाली हिसार की एग्री एकेडमी, जिसमें अभी यमुनानगर से, जाखल से, पंजाब से, राजस्थान से, सभी जगह से बच्चे आ रहे हैं। और जैसे ही आप बस स्टैंड के पास गली नंबर 2 में एंट्री करेंगे तो आपको नज़र आ जाएंगे बड़े बड़े बोर्ड नज़र आएंगे एग्री एकेडमी हिसार के। तो ये देख लीजिए, एग्री एकेडमी फर्स्ट रैंक था इसका। और मैं एक लाइन में कहूँ तो दो लड़कों ने लगभग बहुत बड़ी बड़ी दुकानें जो गारंटी बेस पर चलती थी वो बंद करा दी हैं। दो लड़कों ने कमाल किया, धमाल किया और रिजल्ट ज़बरदस्त। और 10th 12th इनका कहना है कि अगर आपने कदम रखा और आपके बच्चे में पहली बार है, टैलेंट है, तो हम उसे सरकारी जॉब 100% देने वाले हैं। इस तरह का दावा करते नज़र आते हैं, लेकिन उस दावे में दम क्यों है? क्योंकि जब भी इनका टेस्ट हुआ है, पिछली बार लास्ट टाइम 22 तारीख को टेस्ट था, उससे पहले भी जब भी टेस्ट हुआ है तो 100-150-200 बच्चे हर बार पहुँचे हैं। और बच्चों ने भी दिखाया है कि हमें लगता है कि इस अकेडमी में दम है। और मैंने एक लाइन कही थी, दो लड़कों ने कमाल किया, धमाल किया। वो दो सर यहाँ पर है। जी सर, नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार जी। कैसे हैं? सबसे पहले तो बीबीएन न्यूज़ के सभी दर्शकों का स्वागत है सर। ये 22 तारीख को टेस्ट था, उसके बाद डिमांड जनरेट हुई। बहुत कम ऐसा होता है, अक्सर डिमांड जो है ना चिप्स में, कुरकुरे में या कोल्ड ड्रिंक में या कपड़ों में जनरेट होती है, लेकिन पहली बार ये डिमांड जो है ना लगातार कमेंट्स में जनरेट हो रही है कि एक बार फिर टेस्ट करें, पिछले हफ्ते हम रह गए। सो ओन डिमांड, पब्लिक की डिमांड पर 29 तारीख, जी हाँ नोट कर लें, 29 तारीख को एक बार फिर स्कॉलरशिप टेस्ट होने वाला है, जिसमें एग्री एकेडमी है तो मुमकिन है। और ये देख लीजिए, इतिहास जो है ना एग्री एकेडमी ने एक शेड के नीचे इतिहास रचा था, एक शेड के नीचे इतिहास रचने वाली एकेडमी, जतिन बिसलारिया, संदेश। और इन रैंक्स को खरीदने के लिए इन बच्चों को कई लाखों रुपए की ऑफर हुई। ऐसा हुआ और ऐसा होता भी है, वो एक काला सच है जो शायद सबको बुरा लगता है, लेकिन अब हम उसकी बात नहीं करते, हम बात कर लेते हैं 29 तारीख की। और 10th और प्लस 2 के बेस पे कैसे सरकारी नौकरी पा सकते हैं सर? एक तो 29 तारीख के लिए बता दें पहले सबसे। हाँ जी सर, सबसे पहले तो जो पेरेंट्स वंचित रह गए थे, हमारा जो स्कॉलरशिप टेस्ट हुआ था 22 को, अभी हमने 29 मई को ये स्कॉलरशिप टेस्ट रखा है, ताकि जो बच्चे, जो पेरेंट्स पहुँच नहीं पाए थे एग्री अकेडमी में, वो 29 मई को आए। दूसरी बात, अभी जो CBSE के एग्ज़ाम हुए हैं 10th क्लास बच्चों के और 12th क्लास बच्चों के, तो वो बच्चे सोच रहे हैं कि हम 12th के बाद, 10th के बाद कौन कौन से कोर्सेज में जाएं, कौन कौन सी गवर्नमेंट जॉब्स हैं जिसमें हम चूज करें। तो सर, एग्री एकेडमी जो है बच्चों के प्रोत्साहन के लिए, उनके उज्जवल भविष्य के लिए, हम उनको एक एक गाइडलाइन बताएंगे पेरेंट्स को कि 10th क्लास के बाद कितनी सारी गवर्नमेंट जॉब्स हैं जिसमें आपका बच्चा जा सकता है। मैं बता, आपके चैनल के माध्यम भी एक एक नौकरी बता सकता हूं 10th के बाद कौन कौन सी वैकेंसीज होती हैं, 12th के बाद कौन कौन सी होती हैं, लेकिन समय के अभाव के कारण। जी सर, 10th के बाद जो है 10th BSC एग्रीकल्चर, ग्रेट अपॉर्चुनिटी है बच्चे के पास, 10th BSC एग्रीकल्चर में जाए और अपना करियर बनाए। यानी कि एक 10th के बाद अगर आपका बच्चा सिलेक्ट हो गया, और आपके चैनल के माध्यम से अगेन यही बात कहूंगा, जो पेरेंट्स अपने बच्चों को 10th BSC एग्रीकल्चर का कोर्सेज करवाना चाहते हैं, 12th BSC एग्रीकल्चर का कोर्सेज करवाना चाहते हैं, तो चूज करें एग्री अकेडमी। क्यों? क्योंकि रिजल्ट से भविष्य बनता है साहब, बातों से कभी भी भविष्य नहीं बनता। हम कड़ी मेहनत करते हैं, 10th क्लास के बच्चे का स्कूल का क्या दिनचर्या होता है, एक सिंपल स्कूलिंग, एक सिंपल क्लास, बट हम एग्जाम से 2 मंथ्स पहले नाइट क्लास शुरू कर रहे हैं। अभी हम 10th क्लास बच्चों, जो 10th क्लास कर चुके हैं बच्चे, जो 10th BSC एग्रीकल्चर कोर्सेज में हमारे पास आते हैं सर, पूरे हरियाणा से बच्चा आ रहा है। एक मैं कहता हूं कि 22 के 22 डिस्ट्रिक्ट से, हरियाणा की 22 के 22 डिस्ट्रिक्ट से एग्री एकेडमी में बच्चा एकत्रित हो रहा है। वो सब विश्वास का कारण है, पेरेंट्स विश्वास के कारण अपने बच्चे को हमारे पास छोड़ रहा है। और मैं ये पूरा आश्वासन देता हूं पेरेंट्स को कि हम अपनी दिन और रात एक करके आपके बच्चों के, आपके जो सपने हैं उनको हम पूरा करने के लिए पूरा दम लगाएंगे। तो 10th के बाद एक तो 10th BSC एग्रीकल्चर का कोर्स हो गया सर, इसमें जो क्या होता है कि जैसे ही बच्चे 10th की 100 मार्क्स का टेस्ट आता है, 100 मार्क्स में से कैटेगरी वाइज लिस्ट लगती है, जैसे कि सभी बच्चों के ऑफिस में दिखाई भी दे रहा है कि कैटेगरी वाइज लिस्ट लगी हुई है। तो इसमें अगर आपके बच्चे का स्कोप बन जाता है तो प्लस वन प्लस टू यूनिवर्सिटी कराती है, एग्रीकल्चर की डिग्री यूनिवर्सिटी करवाती है, सारी डिग्री यूनिवर्सिटी करवाती है, यानी कि 10th के बाद ही पेरेंट्स मेंटली फ्री हो गया। और दूसरी बात सर, पेरेंट्स को अपने बच्चों को कॉम्पिटिशन तो करवाना ही पड़ेगा, आज नहीं करवाएंगे तो 2 साल के बाद किसी न किसी अच्छे संस्थान में पेरेंट्स को अपने बच्चे को भेजना पड़ेगा। तो पेरेंट्स 2 साल के बाद जो काम करे, हम 2 साल पहले पेरेंट्स को बता रहे हैं कि वो काम आप आज भी कर सकते हैं। तो इसके लिए हमने रखा है 29 मई का एक स्कॉलरशिप टेस्ट, हरियाणा का विशाल स्कॉलरशिप टेस्ट, जिसमें आपका बच्चा फ्री ऑफ कॉस्ट भी पढ़ सकता है। वादे नहीं है, इरादे मजबूत हैं और हम उन इरादों के ऊपर काम करते हैं। ये हम नहीं बोल रहे, हमारे बच्चों का हौसला बोल रहा है सर ये, और हम इनको पूरा भी करके दिखाएंगे पेरेंट्स को।
और स्लैब के अकॉर्डिंगली बच्चों को स्कॉलरशिप, तो यानी 10th बीएससी एग्रीकल्चर के लिए जो पेरेंट्स अपने बच्चों को करवाना चाहता है 29 मई को बिना सोचे समझे आप पहुंचे एग्री एकेडमी हिसार में। बड़े बैनर देख करके आप एडमिशन लेते हैं या फिर टीचर्स देख करके, बड़ी बिल्डिंग्स देख करके एडमिशन लेते हैं, या जिन्होंने एक शेड के नीचे, मैंने अपनी आंखों से देखा उस समय जिन्होंने एडमिशन लिए थे, शायद वो भी कुछ बड़े बैनर्स छोड़ करके यहाँ पर आए थे, वो बड़े बड़े नाम नजर आ रहे हैं, वो बड़े बड़े नाम ऐसे नहीं क्योंकि इनके काम बोलते हैं। और बड़ी अपना सामान MRP पर नहीं डिस्काउंट पर लो, और हिसार में डिस्काउंट कहाँ मिल रहा है ये जानो SaleTrending.com पर। विजिट SaleTrending.com, पहले कंपेयर करो फिर शॉप करो। बैनर नहीं, बड़ी बिल्डिंग नहीं, लेकिन पढ़ाई बड़ी है, इरादे बड़े। सर एक बार फिर नमस्कार। नमस्कार जी, साहब प्लस टू के बेस पर क्या है? प्लस टू बेस पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक तो होता है नॉन मेडिकल, एक मेडिकल और एक एग्रीकल्चर, तीन बेस पे एग्जाम होता है। HAU एग्जाम कंडक्ट करवाती है, उसमें 200 क्वेश्चन आएंगे, 50 क्वेश्चन फिजिक्स के, 50 क्वेश्चन केमिस्ट्री के, 100 क्वेश्चन मैथ और मेडिकल वाले बच्चे के, 100 क्वेश्चन बायो, एग्रीकल्चर वाले बच्चे के 100 क्वेश्चन बायोलॉजी के। जो प्लस टू बेस का कोर्स रहेगा HAU का, वो 4 ईयर प्रोग्राम रहता है, उसके बाद वही गवर्नमेंट जॉब है। लेकिन प्लस टू बेस पे एडमिशन कैसे होएगा, मेन बात तो ये है, जैसे जिन बच्चों के जो बोर्ड हरियाणा बोर्ड था उन बच्चों के पेपर हो चुके हैं, वो सारे बच्चे अपने 29 मई को स्कॉलरशिप टेस्ट एग्री अकेडमी सार में दें और एडमिशन लें जल्द से जल्द। जो अपनी टेस्ट सीरीज है, जो प्लस टू बेस की टेस्ट सीरीज है HAU बेस्ड, जो HAU की बुक्स हैं उन्हीं में से क्वेश्चन सारे तैयार किए गए हैं, 20 पेपर एज इट इज तैयार किए हुए हैं। 20 पेपर का मतलब है एक पेपर में 200 क्वेश्चन, तो टोटल 4000 क्वेश्चन हो गए। 4000 के 4000 क्वेश्चन में से सारा का सारा पेपर बनेगा। जो प्लस टू बेस का एग्जाम होता है नॉन मेडिकल, मेडिकल एग्रीकल्चर, कट ऑफ जाएगी लगभग जनरल कैटेगरी की 72-75, तो 70-75 कट ऑफ जाती है, लेकिन अपने बच्चों के मार्क्स आते हैं 90 वाली लाइन में। क्योंकि ये 90 वाली लाइन में मार्क्स क्यों आ रहे हैं अपने, क्योंकि जिस दिन भी फार्म निकलेगा HAU का, फार्म मई के लास्ट में या जून के स्टार्टिंग में निकलेगा, उसी दिन से हम नाइट शिफ्ट स्टार्ट कर देंगे। नाइट शिफ्ट इन द सेंस सुबह 8 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक मेहनत, मतलब सारी थ्योरी करवाई जाएगी। जो प्लस टू बेस की थ्योरी थोड़ी लॉन्ग है, तो थ्योरी के साथ साथ हम क्वेश्चनिंग करवाते हैं। जितने ज़्यादा हम क्वेश्चन करते जाएंगे उतने कंसेप्ट क्लियर होंगे, जितने ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर होंगे तो HAU में एडमिशन लेना आसान है। गवर्नमेंट जॉब्स वही हैं जो 10th बेस पे 6 साल का प्रोग्राम, 12th बेस पे 4 ईयर प्रोग्राम, गवर्नमेंट जॉब वही है, AFO ADO यही है सर। हॉस्टल फैसिलिटी? यस सर, क्योंकि बच्चा बहुत दूर से आएगा तो हमने हॉस्टल व्यवस्था गर्ल्स के लिए अलग व्यवस्थाएं रखी हैं और बॉयज के लिए अलग व्यवस्था रखी हैं। सबसे बड़ी बात सर, हम नाइट कैंप लगाते हैं, तो हमारा नाइट कैंप का मतलब है कि अव्यवस्था का न होना, वहां पर व्यवस्था का होना, तो ये प्रूफ करता है कि हमारे पास सिक्योरिटी जो है, जो पेरेंट्स, क्योंकि बेटा बेटी सबके बराबर हैं, क्योंकि सर हमारी अकेडमी में कोई बच्चा आता है तो बेटियों को हम सिर पर हाथ रखते हैं कि ये हमारी बेटी है, अगर मेरी बेटी हो तो मैं कितना जोर लगाऊंगा उस बच्चे को पढ़ाने के लिए, अगर मेरा बेटा होगा तो मैं क्या नहीं करूंगा उसके लिए। तो यानी कि जितने भी बच्चे हैं हमारे बेटे और बेटियां हैं, और उनके लिए हम पूरा दम लगाएंगे, उनको कामयाब करने में हम खुद कड़ी मेहनत करेंगे, उनके पेरेंट्स जितना नहीं कर पाएंगे उनके लिए हम उनसे 3 गुना बढ़कर करेंगे उनके लिए। एक लगातार ऑफिस की डिमांड रहती थी, वो ऑफिस की डिमांड भी पूरी होगी, और उम्मीद करते हैं सेकंड ब्रांच भी जल्द यहां पर ओपन होगी। और ऑफिस जो है वो कहां पर है, एक बार एड्रेस मैं कंफर्म कर लेता हूं। ऋषि नगर सर, गली नंबर 2, सबसे पहला मेन ऑफिस अपनी ही एकेडमी का है। तो सभी पेरेंट्स से गुजारिश करूंगा कि क्या है कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको साइड बाय साइड करेंगी, बट चूज आपको करना है। देखिएगा, मैं पहले ही बोल रहा था, अब भी बोल रहा हूँ कि जो मेहनत करवाएगा आपके बच्चों को सफलता वही देगा। मेरे अध्यापक मुझे कहते थे जब मैं 12th क्लास में था कि बेटे अच्छी बिल्डिंग से कुछ नहीं होता, उस बिल्डिंग के अंदर जो बोर्ड के ऊपर जो पढ़ाता है वो कैसा है वो मैटर करता है, अगर उसके अंदर क्वालिटी है तो आपके अंदर ज़रूर क्वालिटी आएगी। और एक चीज़ और सर, कोई किसी को गवर्नमेंट जॉब नहीं दिला सकता, कोई टीचर किसी को गवर्नमेंट जॉब नहीं दिला सकता, लेकिन उस टीचर का ज्ञान जो है वो आपको जरूर सक्सेस कर सकता है। तो सभी पेरेंट्स को यही कहूंगा कि 29 मई को एग्री एकेडमी हिसार के प्रांगण में आए। सभी दर्शकों को नमस्कार, स्वागतम, जय हिंद, जय भारत। मैं तो लास्ट में यही कहना चाहूंगा जो अपनी एकेडमी का नारा है, जब इरादा बना लिया ऊंची उड़ान का तो देखना फिजूल है कद आसमान का। जितने भी बच्चे 10वीं और 12वीं के हैं जल्द से जल्द इरादा बना के अपनी एकेडमी में पहुंचे और HAU का अपना सपना पूरा करें। नीचे नाम नंबर दिए नजर आ रहे हैं, और दोबारा से मैं एड्रेस दिखा दूं आपको, बाहर से बिल्कुल बस स्टैंड के बिल्कुल पास, बस स्टैंड के पास जैसे आप आएंगे गली नंबर 2, बड़ा इजी एड्रेस है, और जैसे गली में एंट्री करेंगे तो आपको सिर्फ एक ही नाम नजर आएगा, वो देखिए एग्री एकेडमी हिसार जी। हाँ, हर जगह आपको एक ही नाम नजर आएगा, और ये दिख भी रहा है, ये देख लीजिए, ये मेरे पीछे भी दिख रहा है। सो फिलहाल यहाँ पहुँचे और
यहाँ पर पहुँचते ही आपको एक चीज़ जरूर समझ आ जाएगी, यहाँ पर बड़ी बिल्डिंग ना सही लेकिन बड़े इरादे वाले टीचर जरूर है।